अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर एंड आप देख रहे हैं ऑनलाइन ट्यूटर। तो दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पे इस तरह की फ़ोटो लगाना चाहते हो, जैसा कि जो स्क्रीन होती है मोबाइल की, तो उस स्क्रीन पे क्या होगा कि आपका इस तरह का एक फ़ोटो लग जाएगा। जब भी आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन को ऑफ़ करोगे, ऑन करोगे, तो ये जो है ये चीज़ सामने होती है एंड बहुत ही कूल लुक जो है वो अपने आपके मोबाइल फ़ोन को प्रोवाइड करती है। ये यहाँ पे कैसे आता है, बहुत ही सिंपल सा एक स्टेप आपने करना है। लेकिन पहले आपने क्या करना है, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर से कर लें। उसके साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दें। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है एनिमेटेड फ़ोटो विजेट। इसके लिए जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, फर्स्ट कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। आपने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में छोड़ देना है। अब एक और स्टेप आता है, वो स्टेप जो है दोस्तों आपने गौर से सुनना है। यहाँ पे सारी चीज़ काम करती है, जो आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है आप उसको इस तरह टच करके बैठ जाएँ, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जब टच करके बैठ जाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को, तो नीचे आपको एक जो है बटन मिलता है विजेट्स का, आपने करना है विजेट्स पे क्लिक। दोस्तों यहाँ पे इस तरह लास्ट में आपने चले जाना है, लास्ट में या फिर फर्स्ट में कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ मिल जाएगी, एनिमेटेड फ़ोटो विजेट, ये ऊपर जो वर्ड लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर ऐसे दबा के बैठ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आके या मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आके आपने इसको इस तरह छोड़ देना है। जैसे ही छोड़ेंगे तो एक नई चीज़ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आप नो इफ़ेक्ट भी लगा सकते हो या स्केल, मतलब कौन सी चीज़ें हों जिस तरह आपकी जो है फ़ोटो है वो बदलती रहे, तो वो इफ़ेक्ट आप चूज़ कर सकते हो। वो चूज़ करने के बाद दूसरा है इंटरवल, मतलब सेकंड में कितने सेकंड बाद जो है वो चेंज होती रहे आपकी फ़ोटो, तो मैं अगर 7 सेलेक्ट करता हूँ। तीसरा है फ़ोटो फ्रेम। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कोई भी फ़ोटो फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि ये सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे फ्रेम हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो सेलेक्ट कर दें। चले मैं ये करता हूँ, अच्छा बल्कि ऊपर जो एक था ये कर लेते हैं। ये करने के बाद आपने दोस्तों डन पर क्लिक करना है। डन करने के बाद आपने इसको जो है ओके कर देना है। इस तरह ओके जैसे ही करेंगे तो सेलेक्ट फ़ोटो आता है, मैं फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक फ़ोटो जो है, चले मैं ये वाला जो फ़ोटो जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं जो है इसको इस तरह क्लिक करता हूँ, और आप लोग मल्टीपल फ़ोटो भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं इसको कर देता हूँ ओके एंड दोबारा डन। डन करने के बाद ये देख लें जो है यहाँ पे एक नए फ्रेम में ये आ गया। आप इसको दोस्तों छोटा बड़ा कर सकते हो, देखें यहाँ प्रेस करके बैठ जाएंगे तो आप लोग इसको छोटा या जो इसका साइज़ है वो कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद देखिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो एक ज़बरदस्त लुक जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन पे आप लोग ला सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको दोस्तों आपने ज़रूर शेयर करना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे इस तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।